और कोई भूल में इसको ना खरीदे, अगर खरीदेगा तो उसको ना कब्जा देंगे, यहाँ पे खेती होगी इसमें, उसको कब्जा नहीं देंगे यहाँ पे जमीन पे, या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं तो जिसने किसान ने जमीन दी उनको गांव को ये जमीन वापस जाएगी। हरियाणा में धारा 144 लग चुकी है, फिर भी महापंचायत हो रही। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि आने वाले वक्त में ये रुकेंगे और ये रोक रहे हैं, दूसरे बॉर्डरों पर होगा। तो इसके वहाँ पे जो बड़ी पंचायतें हैं पूरे देश में, हमने रोक दिया पंचायतें, कहीं नहीं कर रहे जब तक ये बीमारी चल रही है और इसका जो नीचे नहीं आएगी, अभी ये बढ़ रही है, जब तक ये डाउन नहीं आएगी तो पूरे देश भर में पंचायतें रोक दी, क्योंकि अभी तो सरकारी पंचायतें भी चल रही भाई, अभी तो चुनाव की भी चल रही, तो जब तक वे चल रही तो हमारी भी चल रही, उनकी रुक जाएगी हमारी पूर्ण रूप से। किसान आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप है ये लंबा आंदोलन चलेगा, और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हो गया, अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा, अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार। टिकट साहब हल्का दिखता है अभी जो, क्योंकि 155 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है भाई। किसान तो ये है कि अपनी फसल बोकर उसका इंतजार करता है, भाई फसल मेरी बढ़िया होगी, हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्के वे बढ़ रहे, आंदोलन चलता रहेगा, किसान हार का वापसी नहीं जाएगा। सरकार बुलाएगी तो बातचीत की, बिल्कुल सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे हम। आप कंडीशन के साथ या वैसे सर? है जी, कंडीशन के साथ वार्ता, कंडीशन के साथ ही करेंगे और क्या, को उनसे को भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से। हमारा 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, होगी वार्ता, बात जो है नहीं बनी। आप हर जगह गए हैं, इलेक्शन जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्या लगता है 2 मई को कैसा फैसला रहेगा, उसका आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? इलेक्शन वाले स्टेट में बंगाल में हम गए और दूसरी जगह तो करीब 16 स्टेटों में वैसे गए जहाँ पे चुनाव नहीं थे, लेकिन आम जनता पूर्ण रूप से तंग है इस सरकारी व्यवस्था से, पूर्ण रूप से तंग है इस सरकार से, जनता खुश नहीं है। और गुजरात में सबसे बड़ा जो हालात गुजरात के ख़राब हैं, गुजरात में खेत के किसान की ज़मीन लेके अधिग्रहण कर खेती करने के लिए कंपनी को ज़मीन दी जा रही है, तो वो मॉडल सब पूरे देश में आएगा, अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, तो गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा। रिलायंस को 60 गांव की जमीन अधिग्रहण करके रिलायंस को दी कंपनी चलाने के लिए, नहीं आरोप लगा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो है महामारी फैली हुई है, किसान आंदोलन के बीच वो अटका हुआ है। नहीं, किसान आंदोलन तो वहाँ पे है, वहाँ पे तो ये नहीं है कोई इस तरह का चीजें है, और आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल ही नहीं। वे हमारे गाँव है, पक्की कॉलोनियाँ हैं, हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। लेकिन गाइडलाइन तो ये है कि 5-4 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, भीड़ ना हो। गाइडलाइन तो बहुत है, गाइडलाइन तो दिल्ली का जो घनत है वो देख लो, भीड़ में वो एक एक मंजिल में 20-20 मंजिल के माला बना हुआ है, उसमें भी घनत अगर आप नाकोगे तो उसमें भी देख लो, हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कह दें, कोई भी गाइडलाइंस ले आवे, हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी मोर्चे नहीं छोड़ देंगे। वही बात, क्या दिखता है आपको? हल निकल जाएगा, देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है, लंबी चलेगी, कितनी लंबी चलेगी क्या पता कितनी लंबी। कुछ एक राजनेताओं ने पॉजिटिव राजनीति की बात की है, उन्होंने कहा कि राजनीति करने का वक्त हमेशा रहता है लेकिन अभी समाज नीति की जरूरत है, कोविड का दौर चल रहा है तो आपस में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। बीकेओ कितनी कोशिश कर रही है? और नहीं नहीं, हम तो साथ ही मिलकर चल रहे, तो साथ मिल के चल रहे हैं। आज किसान भी परेशान है, आम आदमी बीमारी से परेशान है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे सरकार की नाकामी है या क्या हुआ? सरकार की नाकामी भी, मंदिर से पहले उसके साथ साथ हॉस्पिटलों का भी निर्माण हो, मंदिर का अगर चंदा इकट्ठा हो गया है तो हॉस्पिटल के नाम से भी चंदा इकट्ठा हो, और एम्स बनना चाहिए देश में, एम्स सबसे जरूरी है कि एम्स देश में बने, लोग को ऑक्सीजन, अगर देश में ऑक्सीजन भी नहीं है तो भला नहीं होने वाला आम जनता का। यानी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बने, एम्स का निर्माण हो उसके लिए भी बने, और मंदिर से पहले मंदिर, जब तक मंदिर बने उससे पहले एम्स खड़े हो जाना चाहिए देश में। लास्ट सवाल, आप तेजाखेड़ा फार्म पहुंचे दो चार दिन पहले, तो उसको किस नजरिए से देखें, क्योंकि वो तो हरियाणा के राजनीति में चौटाला परिवार का बड़ा महत्व, वो तो वहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनका पता चला था कि वो जेल से पैरोल पे है, तो जो आदमी पैरोल से आ रहा उससे पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, बुजुर्ग हैं, खाट पर से उठा नहीं जाता, और उनसे और आए तो एक गट से उनसे मिलने उनसे गए। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के कारण इस्तीफा दिया था, आने वाले वक्त में उपचुनाव बताए जा रहे हैं, तो किस प्रकार से बीक्यू उनके वो तो यहाँ पे जो और कोई भूल में इसको
ना खरीदे, अगर खरीदेगा तो उसको ना कब्जा देंगे, यहाँ पे खेती होगी इसमें, उसको कब्जा नहीं देंगे यहाँ पे जमीन पे, या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं तो जिसने किसान ने जमीन दी उनको गांव को ये जमीन वापस जाएगी। हरियाणा में धारा 144 लग चुकी है, फिर भी महापंचायत हो रही। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि आने वाले वक्त में ये रुकेंगे और ये रोक रहे हैं, दूसरे बॉर्डरों पर होगा, तो इसके वहाँ पे जो बड़ी पंचायतें हैं पूरे देश में हमने रोक दिया, पंचायतें कहीं नहीं कर रहे जब तक ये बीमारी चल रही है और इसका जो नीचे नहीं आएगी, अभी ये बढ़ रही है, जब तक ये डाउन नहीं आएगी तो पूरे देश भर में पंचायतें रोक दी, क्योंकि अभी तो सरकारी पंचायतें भी चल रही भाई, अभी तो चुनाव की भी चल रही, तो जब तक वे चल रही तो हमारी भी चल रही, उनकी रुक जाएगी हमारी पूर्ण रूप से। किसान आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप है ये लंबा आंदोलन चलेगा और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हो गया, अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा, अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार। टिकट साहब हल क्या दिखता है अभी जो, क्योंकि 155 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है भाई, किसान तो ये है कि अपनी फसल बोकर उसका इंतजार करता है, भाई फसल मेरी बढ़िया होगी, हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्के वे बढ़ रहे हैं, आंदोलन चलता रहेगा, किसान हार का वापसी नहीं जाएगा। सरकार बुलाएगी तो बिल्कुल, सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे हम, कंडीशन के साथ ही अवश्य है जी, कंडीशन के साथ वार्ता, कंडीशन के साथ ही करेंगे और क्या, को उनसे को भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से, हमारा हमारा दौर की वार्ता हो चुकी है, होगी हम वार्ता, बात जो है नहीं बनी। आप हर जगह गए हैं, इलेक्शन जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्या लगता है 2 मई को कैसा फैसला रहेगा उसका? नहीं, हम असर पड़ेगा इलेक्शन वाले स्टेट में, बंगाल में हम गए और दूसरी जगह तो करीब 16 स्टेटों में वैसे गए जहाँ पे चुनाव नहीं थे, लेकिन आम जनता पूर्ण रूप से तंग है इस सरकारी व्यवस्था से, पूर्ण रूप से तंग है इस सरकार से, जनता खुश नहीं है, और गुजरात में सबसे बड़ा जो हालात गुजरात के ख़राब हैं, गुजरात में खेत के किसान की ज़मीन लेके अधिग्रहण कर खेती करने के लिए कंपनी को ज़मीन दी जा रही है, तो वो मॉडल सब पूरे देश में आएगा, अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, तो गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा। रिलायंस को 60 गांव की जमीन अधिग्रहण करके रिलायंस को दी कंपनी चलाने के लिए, नहीं आरोप लगा जा रहा कि जो ऑक्सीजन है वो है महामारी फैली हुई है, किसान आंदोलन के बीच वो अटका हुआ है। नहीं, किसान आंदोलन तो वहाँ पे तो ये नहीं है कोई इस तरह का चीजें है, और आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल ही नहीं, वे हमारे गाँव है, पक्की कॉलोनियाँ हैं, हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। लेकिन गाइडलाइन तो ये है कि 5-4 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, भीड़ ना हो। गाइडलाइन तो बहुत है, गाइडलाइन तो दिल्ली का जो घनत है वो देख लो, भीड़ में वो एक एक मंजिल में 20-20 मंजिल के माला बना हुआ है, उसमें भी घनत हो, अगर आप नाकोगे तो उसमें भी देख लो, हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कह दें, कोई भी गाइडलाइंस ले आवे, हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी मोर्चे नहीं छोड़ देंगे। वही बात, क्या दिखता है आपको? हल निकल जाएगा, देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है, लंबी चलेगी, कितनी लंबी चलेगी क्या पता कितनी लंबी चलेगी। कुछ एक राजनेताओं ने पॉजिटिव राजनीति की बात की है, उन्होंने कहा कि राजनीति करने का वक्त हमेशा रहता है लेकिन अभी समाज नीति की जरूरत है, कोविड का दौर चल रहा है तो आपस में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, तो बीकेओ कितनी कोशिश कर रही है? और नहीं नहीं, हम तो साथ ही मिलकर चल रहे हैं, हम तो साथ मिल के चल रहे हैं। आज किसान भी परेशान है, आम आदमी बीमारी से परेशान है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे सरकार की नाकामी है या क्या? सरकार की नाकामी भी, मंदिर से पहले उसके साथ साथ हॉस्पिटलों का भी निर्माण हो, मंदिर का अगर चंदा इकट्ठा हो गया है तो हॉस्पिटल के नाम से भी चंदा इकट्ठा हो, और एम्स बनना चाहिए देश में, एम्स सबसे जरूरी है कि एम्स देश में बने, लोग को ऑक्सीजन, अगर देश में ऑक्सीजन भी नहीं है तो भला नहीं होने वाला आम जनता का, यानी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बने, एम्स का निर्माण हो उसके लिए भी बने, और मंदिर से पहले मंदिर, जब तक मंदिर बने उससे पहले एम्स खड़े हो जाना चाहिए देश में। लास्ट सवाल, आप तेजाखेड़ा फार्म पहुंचे दो चार दिन पहले, तो उसको किस नजरिए से देखें, क्योंकि वो तो हरियाणा के राजनीति में चौटाला परिवार का बड़ा महत्व, वो तो वहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उनका पता चला था कि वो जेल से पैरोल पे है, तो जो आदमी पैरोल से आ रहा उससे पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, बुजुर्ग हैं, खाट पर से उठा नहीं जाता, और उनसे और आए तो